जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं वैसे ही भारत के अलग अलग स्थानों पर डांडिया नृत्य बड़े जोश के साथ किया जाता है, लेकिन चरखी दादरी में रविवार को नवरात्रों के बाद भी डांडिया की धूम मची रही। रविवार को दादरी वासियों ने सैकड़ों की संख्या में शहर की शंकर वाटिका में इकट्ठा होकर डांडिया नृत्य किया और खूब मस्ती की और धमाल मचाया। अवसर था डांडिया उत्सव कार्यक्रम का, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल VTS लाइव न्यूज के 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर आयोजित किया गया था। VTS लाइव न्यूज चैनल पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन न्यूज सर्विस के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर डांडिया उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धूमधड़ाके वाली रही, जिसमें चरखी दादरी की जनता ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर VTS लाइव चैनल के प्रति अपना प्यार जताया और डांडिया नृत्य कर समा को रंगीन बना दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाजसेवी उमेद पदवास, युवा NLO नेता रघु पवार, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अजीत पोदार, कांग्रेसी नेता राजू मान व SHO महिला थाना मनीषा पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी अतिथियों व चरखी दादरी की जनता ने VTS लाइव चैनल की टीम के साथ मिलकर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए डांस का आनंद उठाया और सभी ने मिलकर डांडिया नृत्य कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल की झांकी को भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें गांव की चौपाल, हुक्का, माटी का चूल्हा, पत्थर की चक्की, ओखली और मचान को दर्शाया गया था, जिसको देखकर लोगों को बीते जमाने की याद आई और सभी ने झांकी के साथ फोटो भी खिंचवाई। कार्यक्रम में अपने डांस की प्रस्तुति देने वाले बच्चों को विशिष्ट अतिथि उमेद पदवास, रघु पवार, अजीत फोगाट, राजू मान व SHO मनीषा ने सम्मानित किया और VTS लाइव चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर बधाई दी। अपनी कड़ी मेहनत से अपने दम पे 1,00,000 पे सब्सक्राइबर बनाने का काम किया। सबसे पहले तो इस परफॉर्मेंस के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ।